हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ को कैसे बेसिक से लेके पूरा एंड तक कैसे आप लोग पिनाटा केक घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पिनाटा केक का मोल्ड। ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो ऐप से, आपको किसी भी ऐप पे ये अवेलेबल हो सकता है। इसमें क्या किया हमने, मेल्टेड चॉकलेट स्प्रेड कर ली। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने 2-3 लेयर की मेल्टेड चॉकलेट डाली, उसके बाद ही हमने इसे फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद जब ये बिल्कुल सेट हो गया तो ये बहुत ही ईजिली मोल्ड से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलिकॉन वाला मोल्ड यूज़ किया है। वैसे भी पिनाटा केक का मोल्ड सिलिकॉन का ही आता है, इसीलिए ये बहुत ही इजीली निकल गया है। इसी तरह के हमने 2 बोल पिनाटा केक के बना के तैयार कर लिए हैं, दोनों साइड के लिए, अप एंड डाउन के लिए। फिर क्या किया, यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख ही रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले पिनाटा केक का जो चॉकलेट वाला वन साइडेड मोल्ड है उसको रखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगा लिया है चॉकलेट गनाश। फिर यहाँ पर मैंने इसे बेस में रखने के लिए एक केक का बाइट लिया और उसके बीच में ऐसे होल कर दिया, और यहाँ पर हमने हर्षी सिरप ऐसे पूरी स्प्रेड कर दिया। इससे क्या होगा, जब हम ये मोल्ड रखेंगे, क्योंकि ये सर्कल शेप का है, तो इसे एक बेस मिल जाएगा जिससे ये जिसके हेल्प से ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पर बनाए थे चॉकलेट ट्रफल केक, तो यहाँ पर मैंने लेयरिंग बाय लेयरिंग उसकी चॉकलेट की रख दी है। अब यहाँ पर किया, सबसे पहले मैंने हर्षी सिरप उसमें डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें शुगर सिरप, और फिर यहाँ ऊपर से हम मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश। मैं जो केक बना रही हूँ पूरा चॉकलेट वाला बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम का यूज़ नहीं किया। अगर आप लोगों को व्हिप्ड क्रीम वाली आइसिंग चाहिए तो आप लोग वो भी इसमें कर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट लिया केक का, उसके ऊपर भी मैंने लगाया शुगर सिरप और फिर ऊपर से डाला चॉकलेट गनाश। यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश की जो थिकनेस है वो कम रखी है ताकि ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। जब ये बिल्कुल ऐसे मिरर जैसा दिखने लगे, फिर यहाँ पर मैंने लिया एक कटोरी, उसके हेल्प से मैंने इसे साइड में एक शेप दिया। इससे क्या होगा, आप लोगों को एंड में दिखेगा कि ये केक बाहर से तो है ही अच्छा, साथ में अंदर से जब इसे फोड़ा जाएगा तो ये और भी प्यारा लगेगा। इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर काजू क्रश डाले, जिससे मैंने उसे साइड में एक चांद का शेप दिया, और बगल में मैंने स्टार्स वाले स्प्रिंकल्स रख दिए शुगर वाले, जिससे यहाँ पर चांद और तारे दोनों का डेकोरेशन हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था अंदर से। अब हम कवर करेंगे। तो दूसरा पार्ट हमने चॉकलेट वाला लिया पिनाटा मोल्ड का, फिर उसके ऊपर से इसमें कवर कर दिया और बीच में लगा दिया रिबन। ये हमने रिबन इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर जो बीच में इसकी कटिंग दिखती है वो ना दिखे और प्यारा भी लगे केक एकदम बिल्कुल सजने के बाद। तो यहाँ पर हमने रिबन अच्छे से बांध दी है, और अब उसके बाद आप लोग इसका पूरा लुक देख पा रहे होंगे। अब इस पर से डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स वाले चॉकलेट लिए, उसे मैंने तवे पे गरम कर करके इसके ऊपर से स्टिक कर दिए, और यहाँ पर ये मैं बर्थडे वाला केक बना रही थी तो मैंने बस वही इसी पे हैप्पी बर्थडे करके लिख दिया। ऊपर से मैंने इसमें गोल्डन कलर यूज़ किया था केक वाला। अब यहाँ पर आप लोग इसका पूरा फाइनल लुक देख रहे हो, बट फिर भी थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो यहाँ पर हमने जो नीचे इसका बेस बनाया था उसे मैं गोल्डन कलर से पूरा कवर कर रही हूँ, नीचे का पार्ट भी, ताकि वो बिल्कुल ब्राउन ना दिखे। और ऊपर से यहाँ पर हमने फिर इसमें लगाया हैप्पी बर्थडे का एक स्टिकर, और फिर ऊपर से डाला हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया वही जो हमारे पास गोल्डन कलर था। और ये रहा हमारे केक का पूरा फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही इजली आप लोग भी इसे घर पे बना सकते हो। और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय।